ओके तो शुरू करते हैं। वैसे तो आपका शुरू करना था बेसिकली बूलियन अलजेब्रा है ना। बट बूलियन अलजेब्रा का तो उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया था कि सबट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्स। कल हम लोगों ने साइंड डेटा रिप्रेजेंटेशन देखा था, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, कुछ रेंजेस थी। चलो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ पहले, देखो कितना याद है तुम लोगों का। बेटा व्हाट इज द रेंज ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट साइंड रिप्रेजेंटेशन, क्या रेंज थी? सभी लोग कमेंट में लिखो जल्दी से। सभी लोग कमेंट में आंसर करो, व्हाट इज द रेंज ऑफ 3 to -। नहीं बेटा ये तो मैंने टूज कॉम्प्लीमेंट बोल रहा हूं, मैं टूज कॉम्प्लीमेंट बोल रहा हूं, तो जनरल रेंज बताओगे ना एन के टर्म्स में। यस गलत है प्रबल, माइनस कहां है? बेटा व्हाट इज द रेंज इन यस वर्षा, यस यस वर्षा का आंसर सही है। आपको ध्यान होगा मैंने रेंजेस बताई थी, मैंने बताया था कि -2 to the power n-1, 2 to the power n-1, -1, ये रेंज थी। ये याद रखना है तीनों, ये जो मैंने जो रेंजेस बताई थी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है ये बात सभी क्लियर हो गई। ओके 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 प्रबल, दिस इज मतलब -1 to -2 to the power n-1 होगा, एक बार चेक करो सभी लोग अपने। अगर आप यार नोट पैड, मेरे हिसाब से अपने पास में एक नोट पैड तो रखा ही करो, एक जनरल नोट पैड या कोई कॉपी रखा करो कि अगर ऐसी कोई चीज लिखना हो। बाकी फिर नोट वैसे भी आप लोग के साथ में वो तो शेयर हो ही रही है यार। ऐसा एक अच्छा आज एक काम और करना, जिन जिन लोगों के साथ में नोटबुक शेयर नहीं हुई है ना, जिन जिन लोगों के साथ में नोटबुक शेयर नहीं हुई है, आज फिर से मुझे एक बार व्हाट्सअप करना अपनी ईमेल आईडी के साथ। ठीक है सर, दिस इज माई ईमेल आईडी, मेरे साथ नोटबुक शेयर नहीं हुई है, लेकिन मुझे व्हाट्सएप करने से पहले मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि एक बार अपना स्पैम फोल्डर में जाके चेक करना विकास शर्मा, ये चेक करना जाके कि क्या सर की तरफ से कोई मेल आया है या नहीं आया है। बहुत मैं बता रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि 99% आपके स्पैम फोल्डर में वो गया हो पक्का। तो भी एक बार मुझे फिर से, जिनके पास जिनको स्पैम फोल्डर में भी नहीं मिल रहा है, जिनको कहीं नहीं मिल रहा है, मुझे एक बार आप अपना व्हाट्सएप करना। ठीक है तो मुझे, मैं एक बार फिर से आज भेजूंगा सभी लोगों को। ओके ओके बेटा, ओके ओके आई गॉट इट है ना। चलो पहला टॉपिक देखेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्स। अब सब्ट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्स के लिए भी दो ही है सर, दो तरह के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। ये बेसिकली बाइनरी नंबर्स के लिए होता है ना। देखो डिजिटल में सब कुछ है वो बाइनरी नंबर्स के लिए, तो हम लोग सिर्फ बाइनरी नंबर्स में ही देखेंगे। हम लोगों ने देखा था सर कि अगर कोई भी नंबर मुझे सब्ट्रैक्ट कराना है 1101 -0101, तो आपने क्या किया सर? दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज वन, आपने सब्ट्रैक्शन कर दिया। बिकॉज यू आर ह्यूमन, आपने अपना ब्रेन का इस्तेमाल किया, आपने उसको सब्ट्रैक्शन कर दिया। बट एक डिजिटल कंप्यूटर के लिए वो सब्ट्रैक्शन जैसी चीज को नहीं जानता, उसके लिए तो सिर्फ एडिशन ही होता है। वो एडिशन को जानता है कि एडिशन आई कैन डू दैट। ठीक है तो एडिशन करने के लिए एक्चुअली क्या होता है कि डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो लॉजिकल ऑपरेशंस को फॉलो करता है। और लॉजिकल ऑपरेशंस मतलब एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, एक्सऑर, एक्सनॉर। अब तुम देखोगे कि सर एडिशन के लिए तो मुझे और मिल जाता है, एंड के लिए सर मुझे बेसिकली मल्टीप्लाई मिल जाता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन नहीं है। तो एक डिजिटल कंप्यूटर को अगर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन कराना है तो वो नहीं करा सकता। उसके लिए ही हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर फिर किस तरह से सब्ट्रैक्शन कराएगा? सब्ट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्स। सर वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि यार ये देखो, ये अभी भी सो सो के आ रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। बेटा ये जो जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, टाइम पर ज्वाइन किया करो बेटा, है ना। ये लेट इतना 12, दिस इज 12:43, मुझे लगता है मैंने 12:30 का टाइम पहले मेंशन किया था। 5 मिनट 6 मिनट चल जाएगा, मेरी तरफ से लेट हो रहा है तो वो भी चलेगा।
ठीक है, लेकिन तुम लोग को टाइम पे आने की जरूरत है, इसलिए टाइम पे आया करो। ठीक, चलो। तो सब्ट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल सर, मुझे अगर ए माइनस बी, मैंने आपको कल बताया भी था कि फॉर एग्जांपल मुझे ए माइनस बी कराना है, तो आई नो दैट कि सर दिस नंबर इज पॉजिटिव एंड दिस नंबर इज नेगेटिव, तो मैं क्या करूंगा, और नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कल तरीका देखा था साइंड डेटा रिप्रेजेंटेशन में। हमने ये देखा था कि किसी भी नेगेटिव नंबर को हम उसके वंस कॉम्प्लीमेंट में से या टूज कॉम्प्लीमेंट से या साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म से हम उसको पॉजिटिव नंबर बना सकते हैं। हमने कल देखा था बेटा कि नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ साइन, साइन बिट, हम अगर वन होगा तो वो नेगेटिव होगा, जीरो होगा तो पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव नंबर क्या बन गया, फिर एक जनरल एक पॉजिटिव नंबर बन गया। तो जनरल जब ये पॉजिटिव नंबर बन गया तो ये जो ए प्लस ए माइनस बी था वो कैसे हो गया, प्लस ए प्लस बी, तो मतलब क्या हो गया, वो एडिशन हो गया। तो बेसिकली क्या है कि जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो सब्ट्रैक्शन जो कराएगा वो कैसे कराएगा, सब्ट्रैक्शन कराने के लिए वो करेगा एडिशन ऑफ टू नंबर्स विद द हेल्प ऑफ साइंड डेटा रिप्रेजेंटेशन। और जनरली इसके लिए दो मेथड्स यूज किए जाते हैं, यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन एंड सेकेंड वन इज यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग आज इतना लेट क्यों आ रहे हैं, यशवंत सर ने क्लास लेट छोड़ी है क्या, वाई दे आर सो लेट। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है, अभी नहीं हो रही है कि पहले भी नहीं हो रही थी, तो मैं फिर से करा रहा हूं। अब हो रही है सभी को शो, अब सभी को स्क्रीन शो हो रही है, सभी को स्क्रीन शो हो रही है, ओके, यस सर हो रही है, ओके ओके ओके। चलिए तो दो तरीके हैं, there is one using one's complement representation और एक using two's complement। generally sir ये दो method use किए जाते हैं subtraction कराने के लिए, otherwise sir अगर हमको subtraction करना है तो क्या हम ये method use करेंगे, नहीं। but अगर exam में वो आपसे question ये कहेगा कि नहीं आप मतलब you have to subtract these two numbers using one's complement representation या using two's complement representation, तो आपको ये method आना चाहिए। तो एक एक करके दोनों method देख लेते हैं, that is very easy। first one is subtraction using वंस कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए क्या है कि जो नेगेटिव नंबर होगा फर्स्ट स्टेप, आप उसको उसके वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। You know that, sir, negative number को कैसे sir ones complement से representation करते हैं, सबसे पहले sir sign bit को बंद करना पड़ता है, और sign bit को बंद करने के बाद में उसका जो magnitude part होता है उसको हमें उसको complement में form में लिखना पड़ता है। बात पता है सभी लोगों को ये चीज, ठीक। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम उन दो numbers का addition करेंगे, और एक बात और ध्यान रखनी है कि if there is any carry, अगर कैरी नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इफ देयर इज एनी कैरी आउट ऑफ एमएसबी, मतलब एमएसबी के बाद अगर कोई कैरी आ रही है, द रिजल्ट इज इंक्रीमेंटेड बाय वन एंड कैरी इज डिस्कार्डेड। और चौथा जो पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है कि रिजल्ट विल बी ऑब्टेन्ड इन साइन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अभी सारी चीजें एक एक करके समझाऊंगा।
एक एक करके स्टेप लिख दिया है, आपको ध्यान रहे जैसे कि कोई भी गलती नहीं हो और तुरंत आप आंसर निकाल रहे हैं। पहली चीज सर कि मुझे दो नंबर का रिप्रेजेंट माइनस करना है, देयर इज वन नंबर इज ए एंड सेकंड नंबर इज बी, ठीक, मुझे दो नंबर का माइनस करना है। तो ये जो माइनस, ये जो नेगेटिव वाला नंबर है यार, स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या? स्क्रीन शो नहीं हो रही है, पहले का मैसेज है क्या? सभी को स्क्रीन शो हो रही है? एक बार बताओ मुझे। ओके और बेटा स्क्रीन अगर बीच में नहीं शो हो रही है, मैं लिख रहा हूँ अगर स्क्रीन नहीं शो हो रही, क्योंकि देखो अगर मैं नोटपैड पे हूँ तो मुझे आपको कमेंट नहीं दिखाई देंगे, तो अगर मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है देन यू कैन ओपन योर माइक और आप मुझे बता सकते हो कि हाँ सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, देन आई विल रेक्टिफाई दैट मिस्टेक, है ना। चलो तो अब ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले क्या करना है कि इफ आई हैव टू नंबर्स देयर इज ए एंड बी और मुझे ए माइनस बी कराना है, तो नेगेटिव नंबर कौन सा है? माइनस बी। इसको आप इसके वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन से डिनोट करेंगे। देन ये जब रिप्रेजेंटेशन से आप डिनोट करेंगे तो ये एक पॉजिटिव नंबर बन जाएगा, कोई भी एक नंबर बन गया सी। इसके बाद में इन दोनों नंबर का क्या कराएंगे? एडिशन कराएंगे, दैट इज ए प्लस सी। अगर एडिशन कराने के बाद में जो दोनों की एमएसबी है, उस एमएसबी के बाहर अगर कोई एक कैरी आ रही है तो उस कैरी को डिस्कार्ड करके आप रिजल्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे वन से। बस समझ में आके अभी ये क्वेश्चन लेके देखेंगे समझ में आ जाएगा। और जो आपको आंसर मिलेगा दैट आंसर विल बी इन साइन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय साइन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन? इसका मतलब क्या है? आपको ध्यान हो कि कल हमने यही सब पढ़ा हुआ है, कल की क्लास थी, मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का मतलब सर ये है कि अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो इसकी एमएसबी जीरो होगी और जो नंबर बाद में मैग्नीट्यूड होगा दैट नंबर विल बी नॉर्मल नंबर। अगर सर अगर ये नेगेटिव नंबर कुछ मिला होगा तो सर कॉम्प्लीमेंट होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट का चेंज करके मुझे इसका एक नंबर निकालना पड़ेगा और वो वंस कॉम्प्लीमेंट करके जो नंबर मिलेगा दैट विल बी माय आंसर। ओके आई विल डू वन थिंग, देयर इज वन, एक काम कर लेते हैं कि एक नंबर है मेरे पास में दैट इज 0110, ठीक है, और या ऐसा कर लेते हैं थोड़ा ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा कि एग्जांपल लेते हैं अपन कि आपको 6-9 करना है यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो 6 को तो मैं नॉर्मली लिखूंगा सर, मुझे वाइब सर मुझे अगर वंस कॉम्प्लीमेंट में करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बाइनरी नंबर में चेंज करना पड़ेगा, दिस इज 0110। अब ये 9 है, अब ये 9 है तो तुमको पता है कि भाई ये नेगेटिव नंबर है, इसका ये ही नेगेटिव नंबर है, इसका तुम्हें क्या करना पड़ेगा? साइन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन से डिनोट करना पड़ेगा। सर मुझे पता है कि पॉजिटिव, पहले तो इसकी एमएसबी को क्या करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। और मुझे पता है कि सर 9 को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है दैट इज 1001, बट सर चूंकि सर ये क्या है, ये सर एक नॉर्मल नंबर है लेकिन मुझे साइन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन से करना है तो मुझे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करने का, दिस इज 0110, तो मैं क्या लिखूंगा? बट सर आप देखिए कि यहाँ 5 बेटे हैं, यहाँ 4 बेटे, तो कोई बात नहीं, एक जीरो लगा दो और फिर यहाँ क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो 110। इनका क्या कराएंगे? एडिशन, एडिशन करा ली, 0001 10, यहाँ कैरी आ गई 110 और एक क्या आ गया 1, यहाँ पे 1 आ गया और ये 01 आ गया, दिस इज योर आंसर। बट सर ये जो आंसर मुझे मिला है दैट आंसर वुड बी इन साइन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, तो सर इसकी एमएसबी चेक करूंगा, एमएसबी इज 1, ऑब्वियसली बात है ये नेगेटिव आंसर होगा, और ये जो आंसर दिया हुआ है इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? चूंकि सर ये नेगेटिव नंबर है तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट में होगा तो मुझे इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तो मुझे रियल आंसर मिलेगा, रियल आंसर इज 0011 एंड दैट इज -3, क्योंकि 1 है ना तो इसलिए माइनस आ गया, और ये नंबर क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, 0011, दैट्स व्हाई -3, 6-9 कितना होता है -3। ये बात, ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में आया? उस कॉन्सेप्ट को सिंपल करने के लिए, इजी बनाने के लिए ये 4 स्टेप्स लिखे हुए हैं, फिर से इनको समझ लो एक बार कि फर्स्ट वन इज नेगेटिव नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन से डिनोट करना है आपको, दो नंबर और नॉर्मल नंबर का एडिशन कराना है, अगर कोई एमएसबी से कैरी बार आती है तो आप रिजल्ट को, एक जो भी रिजल्ट आपको आया है इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड कैरी इज डिस्कार्डेड, कैरी को उठा दीजिए, और रिजल्ट जो भी आपको आंसर मिलेगा दैट आंसर शुड बी इन साइन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलो अब एक एग्जांपल और लेते हैं तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, कोई यार डाउट हो तो मुझे बताओ एक बार कमेंट सेक्शन में। सर वन मोर एग्जांपल सर, ओके बेटा, ओके आई विल डू दैट।
चलो एक मैं पॉजिटिव का एक 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 आंसर ले लेता हूँ, दैट इज देयर इज वन 101 और माइनस आपको कराना है जीरो, ठीक है चलो 011, ठीक है दिस इज 5 एंड दिस इज 3, आपको पता है आंसर क्या है, बट आई विल वेरीफाई इट यूजिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। सर दिस इज नेगेटिव नंबर, इसको मुझे किसमें चेंज करना पड़ेगा, साइंस वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन से डिनोट करना पड़ेगा। सर दिस इज 3, तो मुझे पता है कि एक एमएसबी सर जीरो करनी पड़ेगी और इसको मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखना पड़ेगा। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे सर इसको, ये 011 है ये क्या हो जाएगा 1100, इस तरीके से ये लिख जाएगा, क्योंकि मुझे क्या है कि मुझे बेसिकली यही लिखना है सर, क्योंकि मुझे 3 लिखना है तो 3 के लिए 011 होता है और 011 के लिए सर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका बेसिकली मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, दिस इज 100। ठीक, तो अब इन दोनों नंबर का एडिशन करा दीजिए, 101 और ये सर 1100 है, तो एक जीरो और ले लीजिए, एडिशन करा दीजिए, एडिशन करा के आ जाएगा 10110 और यहाँ पे देखो 110 आपने किया तो एक कैरी यहाँ आई, दिस इज 110। अब देखो एमएसबी के बाहर एक कैरी आ रही है, इस कैरी का आप क्या कराएंगे, यहाँ एडिशन कराएंगे तो 0010। सर ये आंसर किसमें मुझे मिला, साइन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में। अब जो मेरी क्लास कल अटेंड नहीं किए होंगे उनको ये चीज नहीं समझ में आ रही होगी, उनको क्लास समझने के लिए वो जो बच्चों ने जो लेक्चर अपलोड किया यूट्यूब पर जाके वो देखो, इसलिए मैंने बोला था कल की क्लास मिस मत करना। तो ये 0010 सर साइंस वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में अगर दिया हुआ है तो आई विल चेक इट्स एमएसवी, एमएसवी इज 0, आई नो दैट सर इट इज अ पॉजिटिव नंबर, तो जो बाकी का मैग्नीट्यूड होगा वो किस फॉर्म में होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट में होगा या नॉर्मल होगा, पॉजिटिव नंबर नॉर्मल फॉर्म में, तो ये कितना है 2। और तुमको पता है दिस इज नंबर 5, दिस इज -3, 5 -3 कितना होता है 2। बड़ा अब ये चीज क्लियर हुई थोड़ा सा, सर ये जो कैरी गया है कैरी के बाद बताइए यहाँ से। बेटा कैरी का देखो, कैरी का देखो यहाँ ध्यान से एक बार, कि कैरी मैंने एक स्टेप लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ सर था कि 010 को 101 नहीं लिखेंगे। बेटा एक मिनट बेटा, इफ मैं देखो एक मिनट को, मैंने ये क्या लिखा था, इफ देयर इज कैरी एनी कैरी आउट ऑफ एमएसबी, अगर एमएसबी के बाहर जो तुम्हारा लास्ट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है अगर उसके बाहर एक कैरी आ रही है तो कैरी को इंक्रीमेंट करा देंगे, जो रिजल्ट हमें मिला है उसमें +1 एडिशन करा देंगे और कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे, या ये कह लो कि जो कैरी आएगी उसी कैरी का तुम्हें एडिशन करा देना है रिजल्ट के अंदर, कैरी एक्चुअली बनी आएगी तो तुम्हें उसका क्या करना है, उसका एडिशन करा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गई बात, तो देखो यहाँ पर ध्यान से कि ये कैरी कहाँ आई थी, ये कैरी आई क्योंकि देखो एमएसबी तो सिर्फ यहीं तक है, ये कैरी आई, अब इस कैरी का क्या करेंगे, इस कैरी का मैंने इस पूरे रिजल्ट मैंने एडिशन करा दिया तो मुझे ये आंसर मिल गया, और वो आंसर किसमें होगा, साइन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में होगा। ठीक है, आप कोई एक बच्ची डाउट पूछ लेगी, हाँ बच्ची क्या, हाँ बेटा बताओ। यस सर, सर ये जो 010 इसको रियल लिखने के लिए फिर कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे 101। बेटा किसके लिए, ये जो आंसर मिला है मुझे फाइनल, वो ये जो मुझे यस सर, जीरो, सर आपने 0 को पॉजिटिव बता दिया कि ये 0 का, फिर जो ये मैग्नीट्यूड के लिए 010 को 101 नहीं करेंगे। बेटा यही तो, बेटा यही तो वाली चीज है कि कल वाला पे क्लास आपको एक बार याद नहीं है, मैं एक बार क्लास आपको करके दिखाता हूँ, रुको एक मिनट, ये रहा कल की क्लास, हम लोगों ने एक बार देखो, सबको स्क्रीन दिख रही है ना, देखो वंस कॉम्प्लीमेंट डेटा रिप्रेजेंटेशन भी देखो बेटा, अगर पॉजिटिव नंबर है तो एमएसबी 0, क्योंकि एमएसबी 0 है उस वाले रिजल्ट में भी एमएसबी 0 मिल रही है, तो मैग्नीट्यूड क्या है नॉर्मली रिप्रेजेंटेशन, क्या मैंने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट किया, नहीं, नेगेटिव नंबर के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ओके सर सॉरी, कोई बात नहीं बेटा, डाउट तो होता है, कोई बात नहीं, क्लियर हो गया ना ये सारी चीजें। चलो यस अब एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तुम लोग सॉल्व करो फिर बताओ आंसर सही आ रहा है, आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। देयर इज नंबर 32 एंड द वन नंबर इज 34, करो इनका माइनस, 32 माइनस 34, जल्दी से करो। डिजिटल नोटपैड का ये एक सबसे बड़ा फायदा है कि सारे नोट्स जो मेरे पास हैं वो सब एक जगह कंपाइल्ड है ना, तो मैं ये चाहूंगा आप लोग स्क्रीन, आप लोग स्क्रीन शॉट लेते हो दैट इज ऑल्सो गुड, तो उसका भी एक फोल्डर बनाते जाओ जो स्क्रीन शॉट ले रहे हो, और जिनको नोटपैड शेयर हो जाए तो बेटा देखो कि इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि सारे लेक्चर्स के जो भी नोट्स है वो एक ही जगह एक ही ऐप में आपके पास है, कभी कोई रिकॉल करना है, कभी कोई आपको नहीं समझ में आ रहा तुरंत उस वाले लेक्चर पे जाओ उसकी नोट्स खोलो और देखो आपको समझ में आ जाएगा। मुझे पता है कि कुछ लोग डायरेक्टली आंसर बोल देंगे सर 32 माइनस 34 इज -2, पॉजिटिव है नॉर्मल, यस आकाश, कुछ लोग होंगे सर डायरेक्टली बोल देंगे सर 32 माइनस 34 तो उनको पता है सर -2 होता है, बट
आई वुड इंसिस्ट, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आप क्या करिए, एक बार आप उसको निकालिए उसी तरीके से। नेगेटिव नंबर को हम किसमें लिखेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में लिखने के बाद उनका एडिशन कराएंगे, कैरी अगर आई तो कैरी का एडिशन करा देंगे, और जो आंसर होगा वो वंस कॉम्प्लीमेंट में हमें आंसर मिलेगा। करो, मैं इसको नहीं सॉल्व कराऊंगा, इसको आप ही लोग को सॉल्व करना है। कोई बच्चे को बहुत ही दिक्कत आ रही होगी तो ही सॉल्व कराऊंगा मैं। ओके प्रवल, वेरी गुड। बेटा ऐसा कोई बच्चा जो चाहता हो कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मैं कर सकता हूं। अभी से तीन ही बच्चों ने किया है। यस सर, करा दीजिए, मिस्टेक हो रही है। ओके ठीक है सर। 32 को बाइनरी से रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? ये वाला 0, 1, 2, 3। ओके, दिस इज 32, है ना। 34 को रिप्रेजेंट करना है नेगेटिव नंबर से, तो मुझे पता है सर कि 34 को मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट मैं कर सकता हूँ 1, 0, 0, 0, 1, 0। और सर एक एमएसबी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इसको नंबर को क्या बनाना है, आपको इसको नंबर नेगेटिव है तो एमएसबी तो आपको पॉजिटिव नहीं, और इसका क्या करें, वंस कॉम्प्लीमेंट, तो 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1। ठीक है, तो ये नंबर आ गया आपका, तो 1, 0, 3 times 1, 0, 1। और ये आपको एक जीरो ले लीजिए एडिशन कराने के लिए, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, और दिस इज 1। ठीक है, अब ये नंबर सही किया ना मैंने, 1, 1, 1, 1, 0, 1। ठीक सर, दिस नंबर इज इन साइन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तुरंत क्या सिग्नल जाएगा दिमाग में कि सर एमएसबी को चेक करिए, ओके 1 है मतलब ये नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर निकालने के लिए बहुत इजी है सर, ये इसका मैग्नीट्यूड शो करेगा, इसका मैं क्या करूंगा, वंस कॉम्प्लीमेंट 1, 0, दिस इज -2 इज आंसर। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आ गया। ठीक, इट्स इजी है ना, बहुत इजी है, बट चूंकि ये होता है हमें पता होना चाहिए क्या, और ये तब तक समझ में नहीं आता बेटा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमें भी टीचर्स ने पढ़ाया है और हमने भी बुक्स में पढ़ा है, तो हम क्या करते हैं, हमें जैसी सब्ट्रैक्शन पढ़ाते हैं सब्ट्रैक्शन के तुरंत बाद हमको ये बता देते हैं कि साइन वंस विद कर्व्स की आपको कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू कैसे आपको सब्ट्रैक्शन करना है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू कैसे आप सब्ट्रैक्शन कराइए वंस कॉम्प्लीमेंट थ्रू, ये साइन डेटा वाला चीजें नहीं बताते हैं। और अगर मैंने आपको ये चीज का इतना डिटेल में नहीं पढ़ाई होती कि व्हाट इज साइन डेटा रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज साइन डेटा रिप्रेजेंटेशन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट या यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, की पॉजिटिव नंबर में नॉर्मल होता है, नेगेटिव नंबर में वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, अगर इतने डिटेल में कॉन्सेप्ट्स नहीं बताया पाते नहीं बताया होता तो क्या ये चीज समझ में आती, नहीं आती। दैट्स व्हाई हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। अब वो चीज कल वाली चीज अगर दिमाग में बैठ गई है तो बहुत ईजी है, वंस कॉम्प्लीमेंट, आई नो दैट व्हाट इज वंस कॉम्प्लीमेंट, आई नो दैट व्हाट इज साइन टू बिट्स कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, अगर नॉर्मल नंबर होगा तो नॉर्मल होगा, नेगेटिव नंबर होगा तो उसके लिए मुझे इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, दिस थिंग इज क्लियर। ओके चलो, अब एक अगला छोटा सा एक और होता है मेथड, उसको भी देख लेते हैं। जैसा ये है सेम वैसा वही है, दैट इज सब्ट्रैक्शन यूजिंग टू साइन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। यहां भी कहानी सेम रहेगी,
दैट इज सबसे पहले तो नेगेटिव नंबर को जो भी नेगेटिव नंबर है आप उसके साइन टू कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंटेशन करेंगे फिर आप क्या करेंगे एडिशन ऑफ टू नंबर्स कर दीजिए देन आप चेक करेंगे इफ देयर इज एनी कैरी और नॉट इफ देयर इज एनी कैरी और नॉट इफ यस देन नो एडिशन नो सब्ट्रैक्शन नो इंक्रीमेंट नो डिक्रीमेंट कैरी मस्ट बी डिस्कार्डेड कैरी मस्ट बी डिस्कार्डेड कैरी को सीधे डिस्कार्ड कर देना है कुछ नहीं देखना कि सर कैरी को हमें इंक्रीज जैसे हमने वंस कॉम्प्लीमेंट कैरी को एडिशन कराया था वो जैसे हमने कैरी अगर आती थी तो हम क्या करते थे वन बिट का वन का हम इंक्रीमेंट करा देते यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना है ये ध्यान रखना है यहाँ जो भी कैरी आएगी आपको छोड़ देना उसके साथ कुछ नहीं करना है एंड फाइनली द रिजल्ट विल बी इन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन वहां पर क्योंकि वहां पर वंस कॉम्प्लीमेंट यूजिंग कर रहे थे यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो रिजल्ट हमें हमारा क्या मिलेगा टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन से मिलेगा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं वही वाला एग्जाम्पल देखते हैं तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा 6-9 वाला है ना या फिर 13-14 देख लेते हैं कुछ भी देख लेते हैं पर एक 6-9 का देख लेते हैं 2 बिट का भी बता दूंगा चलो एग्जाम्पल इज किसी को कोई डाउट तो नहीं है किसी ने ठीक है चलो एग्जाम्पल इज 6-9 कर लेते हैं पहले आई नो दैट 6 को रिप्रेजेंट करने का तरीका है 0110 9 को रिप्रेजेंट करने का तरीका है 1001 बट सर मुझे पता है कि ये नेगेटिव नंबर है इस नेगेटिव नंबर को मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना है मुझे करना है टूज कॉम्प्लीमेंट से टूज कॉम्प्लीमेंट से अगर नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करूंगा मैं सबसे पहले एमएसजी को 1 ले लूंगा और ये जो नंबर है इसका पहले 1 कॉम्प्लीमेंट करूंगा 0110 और प्लस 1 करूंगा टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए तो 0111 ठीक ये मेरा नंबर किसमें आ गया टूज साइन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में आ गया अब इन दोनों का एडिशन करा दीजिए तो एडिशन कराने के लिए मैं क्या करूँ सर आई नो दैट 0110 और दिस इज 1011 तो 1111 सर ऊपर फिर एक जीरो लगा दीजिए क्योंकि एडिशन कराना है तो ये 1 हो जाएगा 110 हो जाएगा 11 एक कैरी आ जाएगी 1101 ये 1 सर मुझे ये नंबर मिल गया अब सर मुझे ये नंबर मिल गया है और यहाँ पर आप चेक करिए ये किस में होगा साइन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में होगा ठीक है इस नंबर इज इन साइन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन तो सर इसकी एमएसबी चेक करेंगे इसकी एमएसबी 1 है तो मतलब ये क्या है नेगेटिव नंबर है और सर नंबर निकालने के लिए सर तो आप इसको एक काम करिए पहले -1 कर दीजिए और टूज कॉम्प्लीमेंट में -1 कर दीजिए फिर 1 कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए तो हमें नंबर पता पड़ जाएगा या फिर मैंने डायरेक्ट फॉर्मुला भी पढ़ा है एन माइनस टू टू द पावर एन यहाँ पर देखिए ये नंबर क्या है 1 2 3 4 5 तो ये दिस इज माइनस टू टू द पावर ये हो जाएगा सॉरी दिस इज माइनस टू टू द पावर 5 और ये नंबर क्या है ये नंबर हो जाएगा 1 0 1 2 3 4 16 plus 8 24 24 plus 28 29 29 minus 32 is minus 3 This is the answer. ये सर, बेटा सर, हाँ बेटा, सपना। सर, मेरा एक डाउट है जिसका आंसर मेरे पास है बस आप सही बोल रहे कि नहीं हाँ बेटा सर यहाँ पर हम डिस्कार्डेड कर रहे हैं कैरी को ठीक है और ले भी नहीं रहे प्लस वन भी नहीं कर रहे क्योंकि हम इसमें टूज कॉम्प्लीमेंट में प्लस वन वैसे भी करते हैं इसी कारण अब बेटा हो सकता है कि इस कारण आ रहा हो बट क्या कह रहे हो मतलब आप समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हो फिर से बताओ मुझे एक बार सर जो हमने कैरी को डिस्कार्डेड किया दैट मस्ट बी द रीजन क्योंकि आप टूज कॉम्प्लीमेंट से जब आप नॉर्मल नंबर निकालोगे तो -1 तो करोगे ही करोगे है ना इसीलिए उसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे कैरी को डिस्कार्ड कर देते हैं ठीक है ओके बेटा यू राइट ठीक है तो ये चीज समझ में आ गई एक और एग्जांपल देख लेते हैं यार ये अभी कौन ज्वाइन कर रहा है तायबा सिद्दीकी ये मुझे लग रहा है इसकी क्लास फर्स्ट क्लास है इसकी आज चलो
इतना लेट किसी को ज्वाइन नहीं कराएंगे, ठीक है। तो 6 - 9 = 3। एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा, फिर मैं एक आप लोगों को क्वेश्चन दे दूंगा। नंबर एक ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ 14 और 10। कराओ जल्दी से एडिशन इसका, टू कॉम्प्लीमेंट के थ्रू -10 कराना है। 10 को सर मुझे किससे करना पड़े, 14 को तो सर नॉर्मली रिप्रेजेंट करा दीजिए, तो 14 कैसे हो जाएगा, 8 + 12 = 14, दिस इज 14, ठीक है। और 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करूँ, 1010, ये नॉर्मल बाइनरी नंबर। अब नेगेटिव में करना है तो MSB तो 1 करनी पड़ेगी, और इसको क्या करना पड़ेगा, 1's कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, 0101 + 1 कराना पड़ेगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 110 और ये 1 और ये 011, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 10110, कहीं गलती हो तो बता देना मुझे, है ना, 1110। तो ये हो जाएगा हमारा 10110, ये 0 ले लीजिए, एडिशन करा दीजिए 0, और ये हो जाएगा 110 1101 110, ठीक है, दिस इज 110। और 1 कैरी है, कैरी को डिस्कार्ड कर दीजिए, चलिए कैरी, क्योंकि सर कैरी को डिस्कार्ड करिए, 2's कॉम्प्लीमेंट कैरी डिस्कार्ड करते हैं, दिस इज योर आंसर। सर इसकी MSB क्या है, 0 है, सर ये पॉजिटिव नंबर है क्योंकि MSB 0 है, और मुझे पता है पॉजिटिव नंबर को नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं, आंसर इज 4, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। मेरे हिसाब से इस टॉपिक में और कुछ करने के लिए है नहीं, क्योंकि सब कुछ यार वही सब चीजें हैं, कुछ नया बताने के लिए इसमें है नहीं, तो मुझे इसमें लगता नहीं है कि मुझे इसमें और, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन के लिए ऑलरेडी हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है। बट अगेन इफ मतलब इवन मतलब अगर अब तो अभी अगर आपकी कोई डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे बार बताओ, मैं डिस्कस करते हैं, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड टू बुलियन अलजेब्रा। इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और होता है ओवरफ्लो वाला, वो ओवरफ्लो वाला कंसेप्ट मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, लेकिन वो तब बताऊंगा जब हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में, जब हम लोग, क्योंकि उसमें क्या है कि अभी उसका मुझे पूरा एग्जैक्टली आपको बताना पड़ेगा, जब हम लोग एडर्स पढ़ेंगे ना, जब एडर बनाना सीखेंगे, अभी तो हम क्या ऑपरेशन, सर नंबर 4 बेटा समझा नहीं क्या, सर आपने नंबर 4 मैंने क्या किया, 4 क्या सर, समझ नहीं पा रहा सर, रिजल्ट आंसर इज 4 ना बेटा, 14 - 10 = 4, यस, सो ये नंबर 4 ही तो है, ये पॉजिटिव नंबर है, यस सर, यस ये पॉजिटिव नंबर है, तो सर नॉर्मल नंबर के फॉर्म में ही होगा, तो ये क्या है, 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2 2 to the power 3, ये नंबर क्या है, ये 4 ही तो है, ठीक है, यस सर, ओके। तो इसमें एक छोटा सा कांसेप्ट और है, एक ओवरफ्लो, लेकिन वो ओवरफ्लो क्या है कि उसको समझाने के लिए मुझे आप लोगों को बेसिकली क्या कहते हैं, मुझे आप लोग को बताना पड़ेगा क्या, एडर है ना, तो अपन देखते हैं इस चीज को। अच्छा ये तायबा सिद्दीकी इज इन योर क्लास बेटा, इन योर क्लास तायबा सिद्दीकी, ओके यस सर, ये इसकी फर्स्ट क्लास है आज, क्योंकि इससे पहले तो मुझे नहीं लगता कि इसने ज्वाइन किया है, ठीक है, अगली बार आएगी ज्वाइन करने तो अब, ओके सर, हाँ सर, जैसे हाँ, अभी हम लोग इसमें 2 की पावर 0 किए हैं, 2 की पावर 1, ये सब करने के बाद इसमें 4 आंसर आ रहा है, ठीक, और ऊपर जो हम फॉर्मूला लगाए हैं n - 2 to the power n, अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, अगर इसको भी 1 × 2 की पावर 0 करके इसे स्प्लिट करते हैं, तो उसमें सर सुनो बेटा सुनो, पहले मैं आप लोग बताऊँ, पहले तो एक चीज बता दूँ, एक मिनट, की सबसे पहली चीज तो बेटा ये कि आप फॉर्मूला किसी में भी लगा सकते हैं, आप मेरी बेटा बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, फॉर्मूला आप किसी के भी लगा सकते हैं, चूंकि ये पॉजिटिव नंबर था तो इट विल बी इजी फॉर मी, क्यों फॉर्मूला फालतू में लगाऊं, मुझे पता है कि अगर ये नॉर्मल, अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर के लिए चाहे वो 2's कॉम्प्लीमेंट हो चाहे वो 1's कॉम्प्लीमेंट हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक ही काम होता है कि उसकी MSB 0 होगी और बाकी जो नंबर होगा वो नॉर्मल नंबर होगा, तो मैंने डायरेक्टली उसको बाइनरी टू मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अगर नेगेटिव नंबर ये होता तो मुझे पता है क्या कि मुझे पता है कि भाई जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है उसको मुझे 2's कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, पहले -1 करना पड़ेगा, 1's कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे लिए क्या इजी है कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं, तो इट इज बेटर अप टू यू कि व्हाट यू वांट टू डू, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला को दोनों चीजों के लिए वैलिड है, आप चाहे नेगेटिव में लगाएं चाहे पॉजिटिव में लगाएं, उसका आंसर सेम आएगा 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में। बट अगर पता है तुमको कि पॉजिटिव नंबर है ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको कर दो, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में है, उसका कोई कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, डायरेक्टली उसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है प्रिंस, बेटा डाउट क्लियर है,
ओके और अच्छा दूसरा है बेटा, मैं आज आप लोग को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली ये चीज बता दूं कि ये जो लोग लेट आ रहे हैं ताइवा और स्पेशली ताइवा, ताइवा मैंने तुमको इसलिए ज्वाइन करने के लिए परमिट किया है बेटा, इट्स टाइम इज 1:15। ऐसा नहीं है कि ये कोई एक तरह का मतलब धर्मशाला हो कि हम जब भी चले आए हम तो जब हमारा मन करे हम तब ज्वाइन कर ले, जब हमारा मन करे हम बंद कर दे। नो, अगेन ध्यान रखें अगर क्लास स्टार्ट हो रही है तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप 10 मिनट के अंदर मेरे पास आपकी रिक्वेस्ट आ जाना चाहिए ज्वाइन करने के लिए, अदरवाइज आई विल नॉट अलाउ इट। आप कितनी बार भी कोशिश करिए मैं हर बार मैं आपका मैं इसको डिनाई करूंगा, ठीक है। ये लास्ट बार मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे क्लास अटेंड करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अटेंडेंस है, अटेंडेंस मैं उन्हीं लोगों की लूंगा जितने लोगों ने ज्वाइन किया, और जो लोग लेट आए उनकी मैं अटेंडेंस काट दूंगा। अगर आप नहीं, आपका कोई भी रीजन है कि आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो बच्चे जो बच्चे हैं वो यूट्यूब पर लेक्चर अपलोड कर रहे हैं आप उसको देखो, बट डिस्टर्ब इससे क्या होता है, ये फ्लो डिस्टर्ब होता है ना, तो ये चीज ध्यान रखनी है अगली बार से। टाइम पे अगर आपको हो तो आप आइए, अदरवाइज बीच में से मैं ज्वाइन नहीं कराऊंगा अगली बार से। चलिए तो ये कहानी तो क्लियर हो गई, सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं आपको नंबर को रिप्रेजेंट करना आ गया, आपको नंबर को रिप्रेजेंट करना आ गया। अब कंप्यूटर की भाषा बोलने के लिए आपको अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट करना आ गया। नॉर्मली सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम ओलम सीखते हैं, हम अल्फाबेट सीखते हैं, उसके बाद फिर हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हम शब्द सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हम नॉर्मली नंबर्स भी अगर हम पढ़ते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम तो हम क्या करते हैं, पहले हम 1, 2, 3, 4 सीखते हैं, उसके बाद फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सीखते हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने क्या किया, नंबर का रिप्रेजेंटेशन सीख लिया, नॉर्मल नंबर के ऑपरेशन सीख लिए। अब एक स्टेप आगे, जैसे कि हम अलजेब्रा पढ़ते हैं, लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग क्या कहते हैं 3D अलजेब्रा पढ़ते हैं नॉर्मल मैथमेटिक्स में, इसी तरीके से डिजिटल कंप्यूटर का जो अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा ऑफ डिजिटल सर्किट्स, उस अलजेब्रा को हम बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा। इसका यूज क्या होता है सर, क्यों पढ़ाया जाता है सर अलजेब्रा? पूरा मैथमेटिक्स जो आपका है उसका सिर्फ एक ही काम है, मैथमेटिक्स का और कोई काम नहीं है, मैथमेटिक्स का सिर्फ एक ही काम है कि जो हमने रियल लाइफ में फिजिक्स देखी है, रियल लाइफ में जो भी हम देख रहे हैं उसका अगर हमें प्रैक्टिकल कोई डिजाइन करना है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने देख लिया कि हाँ यार चलो यार ये क्या कहते हैं, मैंने देख लिया कि भाई एक रॉकेट है, इस रॉकेट को मुझे अंतरिक्ष में लेके जाना तो चलो और सीधे रॉकेट बनाते। नो, सबसे पहले उसकी मैथमेटिक्स मॉडलिंग होती है कि भाई ये तो देख लूं कि मैं रॉकेट बनाऊंगा तो मुझे ये सामान की जरूरत पड़ेगी, ये चीजें लूंगा तो उससे ये रिजल्ट मिलेगा, अब वो रिजल्ट ये जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड एज मैथमेटिक्स मॉडलिंग। इस मैथमेटिक्स मॉडलिंग के बाद में उसके बाद में फिर मैं क्या करूंगा, इसको मैं बेसिकली मतलब मैं उस जो भी टेक्निक है जो भी मैं चीजें यूज कर रहा हूँ उसको थोड़ा मतलब क्योंकि क्या है ये मुझे कंपोनेंट्स में मुझे यूज करने पड़ेंगे, मुझे उसके लिए एक सही शब्द नहीं मिल रहा है, एक अच्छा शब्द होता है कि ऑप्टिमाइजेशन, यस द राइट वर्ड इज ऑप्टिमाइजेशन। कि मॉडलिंग तो मैंने कर ली, अब उसके बाद उसका ऑप्टिमाइजेशन कैसे हो, क्योंकि देखो क्या है कि मुझे पता है कि मुझे फॉर एग्जाम्पल एक बाइक बनानी है, तो बाइक बनाने के लिए मुझे एक इंजन चाहिए, मुझे दो व्हील चाहिए, ठीक है, अब ये सब चीजें चाहिए। अब मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैंने बाइक बनाने के बारे में मैं सोच रहा हूँ और मैं लेके आ गया 10 टायर लेके आ गया, ठीक है, 4 स्पीडोमीटर लेके आ गया, एक हैवी इंजन लेके आ गया ट्रैक्टर का और मैं बनाऊ, तो क्या ये ऑप्टिमाइज बाइक है? नो, क्योंकि सर इसकी जरूरत ही नहीं है सर, 2 टायर की जरूरत थी सर, एक छोटा है आपको 120 या 180 सीसी के आपके इंजन की जरूरत थी सर, आपको 1 स्पीडोमीटर इज सफिशियंट, अगर आप 2 स्पीडोमीटर रखना चाहते हैं तो आप 2 स्पीडोमीटर रख लीजिए, तो इससे आपकी बाइक बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमाइजेशन। अब बाइक बनानी है, बाइक कैसी बनेगी, वो कैसे उसकी कैलकुलेशन करेंगे, भाई ये चीजें चाहिए, टायर भी चाहिए, ये सब चीजें, दैट इज कॉल्ड एज मैथमेटिक्स मॉडलिंग। तो बूलियन अलजेब्रा में जो हम लोग पढ़ते हैं वो एक तो अलजेब्रा पढ़ेंगे कि सर इसमें क्या क्या रूल्स होते हैं एंड देयर मिनिमाइजेशन टेक्निक्स, वो मैं बताऊंगा व्हाट इज मिनिमाइजेशन टेक्निक्स, समझाऊंगा ये भी समझाऊंगा, बस ये समझ लीजिए कि ये मिनिमाइजेशन टेक्निक्स जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डिजिटल सर्किट्स। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो टीवी पहले बहुत बड़ी सी आती थी आज जो टीवी बिल्कुल स्लिम आ रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टेलीविजन टेक्निक।
जो मोबाइल पहले इतना मोटा आता था, नोकिया 1100 या नोकिया, वो कि आप मारिए आपका सिर फूट जाएगा बट मोबाइल में कुछ नहीं होगा, बट दिस बट आज की डेट में मोबाइल इतने स्लिम आ रहे हैं, इतना इतने छोटे मोबाइल आ रहे हैं, इतने पतले मोबाइल आ रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मोबाइल टेक्निक, मोबाइल डिजाइन टेक्निक, बेसिकली स्पीड है। तो हम देखेंगे एक बार एक करके, जब हम सर्किट देखेंगे कि हमें कोई सर्किट बनाना है तो क्या है, तो वो हम सब देखेंगे। बट उससे पहले सर, बूलियन अलजेब्रा आपने सर बता दी, सर व्हाट इज बूलियन फंक्शन? बूलियन फंक्शन इज एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक तरह का एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जो कि बना होगा फॉर्म्ड यूजिंग बाइनरी कांस्टेंट, बाइनरी वेरिएबल्स एंड बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस। सिंबल्स, बेटा समझ में आई बात? सर आप बाइनरी कांस्टेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब 1001, या बाइनरी वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं? बाइनरी कांस्टेंट का मतलब क्या है? 01। बाइनरी वेरिएबल्स का मतलब है कि कोई भी वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज क्या होंगी? बाइनरी। और बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन, बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन आप लोग देख चुके हैं, मैं बता चुका हूं आपको, लॉजिकल एंड ऑपरेशन। और एक्सोर, एक्सनोर, नैंड, नोर, ये सब आप देख चुके हैं लॉजिकल, ये सारे क्या है? लॉजिकल ऑपरेशन। सर इसमें मतलब ये कि सर एक ये अलजेब्रा है जिसमें बाइनरी वैल्यूज यूज हो रही है, बाइनरी वेरिएबल यूज हो रहे हैं और बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन यूज हो रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर ये बूलियन फंक्शन या बूलियन अलजेब्रा बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर की अलजेब्रा है, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी नंबर यूज होते हैं। थिंग इज क्लियर और नॉट? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो डिजिटल कंप्यूटर का जो अलजेब्रा होता है, दैट अलजेब्रा इज कॉल्ड एज बूलियन अलजेब्रा। एंड व्हाट इज बूलियन? बूलियन एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये पूरा अलजेब्रा बनाया हुआ था। अब सबसे पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो हमने पढ़ा हुआ था उनके बारे में हम लोग एक ही चीज करके देख लेते हैं कि मुझे वो चीजों की जरूरत पड़ेगी। और लॉजिकल एंड ऑपरेशन, मैंने बोला भी था कि एक बार मैं फिर से आप लोगों को लॉजिक गेट्स पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा उसके बारे में। लॉजिक गेट्स के लिए आपको टेबल पता है सर, क्या वर्ड है टेबल? वाई इक्वल टू जीरो वन, वन जीरो और वन वन। आपको पता है सर आउटपुट की वैल्यू वन कब होगी? जब सारे दोनों इनपुट क्या हो, वन हो, तभी आउटपुट की वैल्यू वन होगी। या ये एक्सप्रेशन क्या होता है, वाई इक्वल टू ए इंटू बी, बात समझ में आ रही है सभी को? अब ध्यान से एक बार देखने की यहां कोशिश करो कि सर मैंने एक वेरिएबल मान लिया ए, ठीक है, दिस इज माय ए, और इसमें मैं जीरो का मल्टीप्लाई करा रहा हूं। तो देखो ये ए है, ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है, वन हो सकती है। अब ए के साथ में मैं, क्योंकि देखो आपका ऑपरेशन क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, वाई इक्वल टू ए इनटू बी, दिस इज योर बूलियन एक्सप्रेशन। मैंने इस b की जगह अगर जीरो रख दिया तो तुम देखोगे a की वैल्यू सर दो तरह की हो सकती है सर, या तो जीरो हो सकती है, तो एक इनमें कौन कौन से केसेस पॉसिबल है, क्योंकि a की वैल्यू तो a इज वेरिएबल। अब a की वैल्यू क्या हो सकती है, दो, तो कितने केसेस पॉसिबल है, दो, तो जीरो इंटू जीरो और ये क्या हो जाएगा, वन इंटू जीरो, दो, क्योंकि a की वैल्यू दो ही वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, a इज मस्ट या तो मे बी जीरो या a मे बी वन। तो अब इन दोनों के लिए वैल्यू देखो क्या आ रही है, a की वैल्यू जब जीरो है और इंटू जीरो में आउटपुट की वैल्यू क्या मिल रही है, जीरो, A की वैल्यू वन है और B की वैल्यू जीरो है, तो क्या मिल रहा है, जीरो। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी बाइनरी वेरिएबल के साथ में जीरो का मल्टीप्लाई हो तो वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो। बेटा दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? बेटा ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सभी को? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके ओके चलिए ओके। अगर मैं ये कहूं कि मैं A के साथ वन का मल्टीप्लाई कराऊं, ठीक है, एंड ऑपरेशन कराऊं, अगर ए के साथ है वन का मैं क्या कराऊं, एंड ऑपरेशन कराऊं, देन व्हाट विल बी द आंसर? तो तुम ध्यान से देखो कि सर ये तो फिक्स कर दिया वन पे, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं ए की जगह या तो जीरो ले सकता हूं या वन ले सकता हूं, कौन कौन से केसेस पॉसिबल है? सर ये तो फिक्स कर दिया आपने, तो या तो जीरो इंटू वन या वन इंटू वन, तो देखो कंडी वैल्यू क्या मिल रही है, जीरो इंटू वन पे जीरो मिल रही है, वन इंटू वन पे वन मिल रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर दोनों ही केस के लिए, जीरो इंटू वन या वन इंटू वन के दोनों ही केसेस के लिए मुझे वो वैल्यू मिल रही है जो एक ही है। जीरो इंटू वन पे जीरो मिल रही है, मतलब यहाँ एक ही वैल्यू जीरो है,
यहाँ ए की वैल्यू वन इंटू वन है, तो मतलब देखो यहाँ ए की वैल्यू क्या है, वन है, तो मतलब ये कि जीरो इंटू वन पे जीरो मिल रहा है, वन इंटू वन पे मुझे भी वन मिल रहा है, तो मतलब जो ए है जनरल अगर मैं बोलूं तो ए इंटू वन कराऊंगा तो मुझे ए मिलेगा, अगर ए की वैल्यू जीरो करती तो जीरो मिलेगा, ए की वैल्यू वन करती तो मुझे वन मिलेगा। बेटा दिस थिंग इज क्लियर, बेटा ये बात क्लियर है? एक बात थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, फिर अगली बार समझ में आ जाएगा। चलो अब मुझे तुम ये बताओ कि ए इंटू ए कराऊंगा तो क्या मुझे मिलेगा? सर ए इंटू ए कराएंगे, ए का सर ए का, हाँ प्रिंस क्या ए ठीक, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सर ए इंटू ए आप कराएंगे तो देखो सर दो केसेस पॉसिबल है, या तो ए की वैल्यू जीरो हो तो जीरो इंटू जीरो हो जाएगा, या ए की वैल्यू वन हो तो वन इंटू वन हो जाएगा। तो देखो जीरो इंटू जीरो तो जीरो मिल रहा है, वन इंटू वन है तो क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए इंटू ए कराएंगे तो ए मिलेगा। ठीक, अब एक कंडीशन और पॉसिबल हो सकती है, ए इंटू ए बार। सर व्हाट इज ए बार? ए बार इज बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यस यस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सर कॉम्प्लीमेंट को अभी तक हमने देखा था, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन ही देखा था, किसी भी वेरिएबल का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना तो उसके ऊपर हमें डैश रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर ए की वैल्यू जीरो है तो ए बार की वैल्यू होगी वन, इफ ए इज इक्वल टू जीरो देन व्हाट इज ए बार, वन, क्योंकि तुम्हें पता है जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वन। अगर ए की वैल्यू वन है तो ए बार की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक, तो ए इंटू ए बार करेंगे सर, यहाँ कितने केसेस पॉसिबल है, यहाँ भी सर दो केसेस पॉसिबल है। अगर ए की वैल्यू जीरो है तो ए बार की वैल्यू क्या होगी, वन। तो एक केस ये हो गया, ए की वैल्यू जीरो, ए बार की वैल्यू वन मिलेगी तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो। अगर ए की वैल्यू वन है तो ए बार की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो। मतलब ये दो केसेस सर इस वाले केस के लिए हो रहे हैं, जीरो होगा तो ये वन होगा, वन होगा तो ये जीरो, तो दोनों वैल्यू पे क्या वैल्यूज मिलेगी मुझे, जीरो। तो मतलब सर ये चार वैल्यूज मुझे आज पता पड़ गई, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉजिकल एंड ऑपरेशन। कि सर हमने अगर, हाँ क्या बेटा डाउट पूछो, डाउट पूछो, ये विकास पूछ रहा था क्या डाउट, और ये मीटिंग लेफ्ट कर गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक, तो ये चार हमें आज के बाद में ऑपरेशन समझ में, अगर बेटा आप लोग ये सोच रहे हो कि सर इसका यूज क्या है, वी विल सी दैट, जस्ट हैव सम पेशेंस। सर सर गलती से क्विट हो गया था सर, ये बोल रहा हूँ सर, हमने कैसे कंसीडर कर लिया कि ए जो है वन है, सर ए बार भी तो वन हो सकता है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट भी तो वन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुम कोई से भी केसेस कर लो, लेकिन इस केसेस तो दो ही पॉसिबल है ना, या अगर ए की वैल्यू, ए दो ही चीजें हो सकती है, मेरी बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब ए की वैल्यू वन कर ली तो ये जीरो होगा, ठीक है, ए की वैल्यू जीरो है तो जीरो वन होगा। इन दोनों केस में तो सारे पॉसिबल केसेस देख रहा हूँ ना मैं, तो कोई भी वैल्यू ले लो, लेकिन हो तो सर दो ही वैल्यू सकती है ना, या तो वन या जीरो, तो उसके लिए केसेस तो सर यही दो पॉसिबल हो सकते हैं ना, और तो कोई केस पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है, जो भी वैल्यू होगी इसकी अगेन ही दूसरी वैल्यू होगी, तो ये वाला केस भी नहीं हो सकता है, ये वाला केस भी नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा वाला क्या है, कॉम्प्लीमेंट है ना, तो अगर ए को जीरो रखोगे तो वन होना ही पड़ेगा, और ए अगर वन है तो उसको जीरो ही होना पड़ेगा, ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट को वन भी ले सकते हैं ना। बिल्कुल मतलब बिल्कुल यार, ये तो हम जनरलाइज कर रहे हैं, कोई से भी केस ले सकते हैं, ठीक है, बट लेकिन केस दो ही हो सकते हैं, और तो कोई तीसरा केस तो नहीं समझ में आ रहा ना। यस सर, ओके सर, है ना, ओके 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 ठीक। तो बेटा ये चीजें ध्यान रखनी है, दीज फोर प्रॉपर्टीज आर वेरी यूजफुल। तो ए इंटू जीरो इज जीरो, सर ए इंटू क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली मुझे सही से इसको करना चाहिए ए एंड जीरो, ए एंड वन, ए एंड ए और ए एंड ए बार, ठीक है, इनके लिए हमें ये आंसर्स मिल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग एक बार लॉजिकल और ऑपरेशन के लिए भी देख लेते हैं। अब तुम मुझे बताओगे, मैंने एंड का तुम्हें समझाया, लॉजिकल और का तुम लोग समझाओगे मुझे, लॉजिकल और ऑपरेशन आंसर लिखना, बोलना नहीं, तो मैं देखूंगा कि तुम लोग, मेरा काम तुम्हें याद कराना नहीं है, मेरा काम तुम्हें समझाना है, जिससे कि तुम्हें जनरलाइज कराना सिखाना है, जिससे कि तुम अपने आप चीजों को जनरलाइज कर पाओ। 01 10 11, जिस दिन तुम ये सीख जाओगे उस दिन तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी सब्जेक्ट में तुम्हें एक टीचर का काम ये होता है कि बच्चे जनरलाइज करना सीखें, कंसेप्ट सीखें, फिर उसके बाद तो वो सब अपने आप पर करना शुरू कर देते हैं, फिर काम टीचर का बहुत आसान हो जाता है। दिस इज बेटर और ऑपरेशन, है ना सर, अगर कोई भी एटलीस्ट वन इनपुट मस्ट बी हाई देन आउटपुट विल ऑलवेज बी हाई, ठीक है, तो तीनों केसेस के लिए हो सकता है। अब तुम मुझे बताओ इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी, यू नो दैट। तो अब तो मुझे बताओगे a प्लस जीरो के लिए, a प्लस वन के लिए एक साथ आंसर देना बेटा, ऐसा नहीं कि एक बार लिख दो जीरो, एक बार लिख दो वन, एक बार लिख दो ये सब नहीं, एक साथ सारे आंसर लिखना। चार केसेस लूंगा मैं, a प्लस ए, a प्लस ए बार, आराम से लिखो, तसल्ली से लिखो, देख लो पहले आंसर,
एक मिनट दो मिनट लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, किशन ने जल्दी से आंसर लिख दिया सर, ये आंसर आ जाएगा सर, इतनी जल्दी नहीं बेटा। अच्छा ये तुम लोग वो बता रहे होगे, इसकी ट्रुथ टेबल बता रहे होगे, ठीक ठीक ठीक, अब आंसर बताओ जल्दी से, सोचो सोचो, जल्दी आंसर देने का कुछ भी जरूरत नहीं है, आराम से सोचो। तुम लोग को स्क्रीन दिख रही है क्या, स्क्रीन शो हो रही है तुम लोगों को सभी को बेटा स्क्रीन? ओके 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 ओके, वन ट्रिपल ए, ए वन ए वन ट्रिपल ए वन, यार इतने सारे आंसर मिले, सभी के अलग अलग आंसर मिल रहे हैं। ट्रिपल ए वन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ए वन ए ए, ए वन ए ए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं। चलिए मैं देखता हूं, चलो ठीक है बेटा, आंसर मिल गया मुझे, देखता हूं। ए प्लस जीरो इज ए, ए प्लस वन इज वन, ए प्लस ए इज ए, ये आंसर होना चाहिए। ये कितने लोगों का आंसर आ रहा है, ए वन ए वन, जितने लोगों का ये आंसर आ रहा है दैट इज राइट, A1 A1 is the right answer. A1 A1 is the right answer. चलिए देख लेते हैं बेटा, देख लेते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं। जिनका नहीं आया बिल्कुल बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, दैट इज वेरी इजी, पढ़ने के लिए सीखने के लिए ये बैठे हुए हैं। देखो अगर जीरो है सर तो मुझे नहीं लगता कि इसमें तो किसी को दिक्कत होना चाहिए सर। इफ वन इज जीरो, एक जीरो डिसाइड हो गया और दूसरा A1 हो सकता है, A की वैल्यू चाहे जीरो हो सकती है, A की वैल्यू वन, तो सर देयर आर फोर केसेस पॉसिबल, फर्स्ट केस एंड थर्ड केस। पहले वाले के लिए दो केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, जीरो जीरो वन जीरो, तो देखो ए की वैल्यू जीरो है तो जीरो मिल रहा है, ए की वैल्यू वन है तो वन मिल रहा है, तो इसका मतलब ये कि ए प्लस जीरो इज ए। अब सेकंड केस कि अगर ए की वैल्यू वन, आपने एक वैल्यू फिक्स कर दी वन, मैंने मान लिया बी की वैल्यू आपने वन फिक्स कर दी, अब सर कितने केसेस पॉसिबल है, या तो ए की वैल्यू जीरो हो सकती है या ए की वैल्यू वन हो सकती है, दोनों केसेस के लिए आंसर क्या मिल रहा है, वन, तो मैं क्या बोलूंगा, वन। थर्ड केस, थर्ड केस के लिए मैं बात कर लेता हूं कि a प्लस ए, मतलब कि दोनों नंबर सेम होने चाहिए, दोनों नंबर सेम होने के लिए एक ये ऑप्शन पॉसिबल है, एक ये ऑप्शन पॉसिबल है, तो जीरो जीरो वन वन, तो देखो इसकी वैल्यू क्या मिली है, जब a की वैल्यू जीरो है, b की वैल्यू जीरो, तो जीरो, a की वैल्यू जीरो, b की वैल्यू वन मिल रही, तो मतलब ये कि सर सेम नंबर ही मिलेगा। a प्लस ए बार, a की वैल्यू जीरो तो b की वैल्यू वन, a की वैल्यू वन तो b की वैल्यू जीरो, इन दोनों ही केसेस के लिए वैल्यू हमेशा क्या मिल रही है, वन वन, दैट्स व्हाई आई कॉल इट एज वन। दिस थिंग इज बेटर क्लियर, ये चीज सभी को क्लियर हो गई, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीजें याद होना चाहिए। चलो ठीक, कंसेप्ट बिल्डअप होते जा रहे हैं, चीजें डॉट्स जो है, जो मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बोला था कि डॉट्स दे आर वेरी नेसेसरी, गेम बताया था ना मैंने, डॉट्स वाला गेम है ये, जो डॉट्स वाला गेम था ये, कि सर ये सारे डॉट्स होते हैं और इनको कनेक्ट कर करके हम बॉक्स बनाते हैं, वो चीजें अभी तुम्हारे डॉट्स बन रहे हैं नोटबुक के ऊपर, तुम्हारे डॉट्स अभी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, अभी कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, कनेक्ट होंगे सेकेंड यूनिट के बाद, फर्स्ट यूनिट इज ऑल अबाउट द डॉट्स, ठीक। ओके नाउ थोड़े से कुछ इजी इजी वाले लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर एक बार जनरलाइजेशन कैसे करते थे और लॉजिक गेट का वो भी बता दीजिए, मतलब इसका तो सर थोड़ा इजी था लेकिन हाँ, अगर चलो कर बताने वाला था विकास, विकास मैं वो बताने वाला था लेकिन अब तुम लोगों ने यहाँ रोक दिया तो मैं अभी बता देता हूँ, वो थोड़ा आगे बताने वाला था मैं, बट लेकिन अभी चलो बता देते हैं। सर क्या है सर, ये ट्रुथ टेबल देख के हम बना सकते हैं लेकिन जब ट्रुथ टेबल बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए तब, तो बिना ट्रुथ टेबल देखे तो बना नहीं सकते यार, ये जो जनरलाइज वाला बिना ट्रुथ टेबल के तुम अगर बना रहे हो उसका तुम याद करो, तो मैं बनाना तो मेन जो कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या कहते हैं विकास, वो तो हम ट्रुथ टेबल देख के ही बना रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल एक्सओआर ऑपरेशन को बताता हूं, एक बार देखो
बनाने के लिए ट्रुथ टेबल तो जरूरत है ही है, बट चाहो तो याद कर सकते हो, जिससे कि तुम्हें मतलब, और जब प्रैक्टिस करोगे ना, मैं तुम्हें बताऊँ ना कि जनरलाइज सर की कैसे हो कि सर हमें ट्रुथ टेबल जरूरत ना पड़े, जब प्रैक्टिस करोगे तो चीजें अपने आप याद होना शुरू हो जाएंगी तुम्हें, और तुम्हें याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने अगर अगर तुम्हें 10-12 क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस की, तुम अपने देख के बोलोगे सर ए प्लस ए आई नो दैट इज ए, ठीक है, मैं तुमसे बोलूँ कि क्यों टी की बात यू आता है, तुमने पर में तुमने कभी देखा होगा, तुमने इतनी बार देख लिया, तुमको पता है कि टी के बाद यूरिया होगा 0 1 1 0, ठीक है, तो यहां भी करके देख लेते हैं ए एक्स और 0 ए एक्स और 1 ए एक्स और ए बार। अब क्या बताओ, अब ये तुम लोग मुझे नहीं बना पाओगे, बताओ जल्दी से आंसर से क्या आएंगे आंसर, जल्दी बताओ पढ़ दे ए एक्स और 0 सर ए प्लस ए समझ नहीं आया सर बेटा, व्हाई ए प्लस ए का मतलब बेटा क्या है, ए प्लस ए का मतलब ये है कि दोनों वैल्यू सेम है। अब दोनों वैल्यू सेम होने के लिए दो ही पॉसिबल कंडीशन है, एक तो 0 0 और एक 1 1। अब देखो दो ही पॉसिबल कंडीशन हो सकती है, तो 0 0 1 1, उनके लिए आंसर क्या आ रहा है, 0 है तो 0 आ रहा है, 1 है तो 1 आ रहा है, दैट्स व्हाई ए प्लस ए इक्वल टू ए, ये ए बार नहीं है ये ए है। अगर ये कंफ्यूजन हो रहा होगी, दिस इज ए बार, वो मैंने गलती से यहाँ पेन चला दिया है, ठीक ठीक समझ में आ गया बेटा, ओके। अब जल्दी से ये ट्रुथ टेबल भर के बताओ मुझे एक्स और वाली, तुम ही तो भर के बताओगे, धीरज ने आंसर दे दिया A10, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा, तुम लोग बताओ पहले, सब लोग नहीं समझ में आएगा तो मैं तो बताऊंगा A A बार 10। धीरज सपना ने का आंसर अलग लगा रहा है, मतलब ये कि अभी तुम लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो जब आंसर अलग रखते रहे हो। धीरज और नियति का आंसर सेम है, प्रबल और सपना का आंसर सेम है, निशिता का आंसर सेम है, विकास में विकास आंसर करो क्या आएगा, A A 1 A A बार 10, मतलब दोनों लोगों में कंफ्यूजन है, एक A A बार 10 में और एक A A 10 में। बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे कुछ, वही 5 10 5 5 10 5 10 बच्चे आज आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग कम आज आंसर कम कर रहे हैं, क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा है क्या, क्या मेरी स्पीड फास्ट है। ताइवा ने आंसर दे दिया है A A 10, गौरव आकाश नियति A A बार 0, वर्षा स्वाति विकास आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर बेटा, तुम्हारा डाउट था, विकास ने आंसर दे दिया A A 10, ओके 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 ओके, अनुपम A A 10, प्रशांत A A 10, ओके बेटा देख लेते हैं एक बार आंसर। सर आपने 0 को फिक्स कर दिया, 0 को मैंने बी को 0 ले लिया, अब ए की वैल्यू 0 A की वैल्यू 1, तो मतलब जिस तो ऑब्वियसली बात है A की वैल्यू 0 तो 0 मिल रहा है, A की वैल्यू 1 है तो 1 मिला, तो A प्लस A XOR 0 इज A। अगर सर 1 को फिक्स कर दिया, 1 को फिक्स कर दिया और आपने यहां भी 1 को फिक्स कर दिया, तो A की वैल्यू 0 है तो क्या मिल रहा है मुझे, 1 मिल रहा है, और A की वैल्यू 1 है तो मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो बेटा यहां पे A बार आएगा। देखो ध्यान से, फिर से ध्यान से देखो, जिन लोगों ने आंसर गलत दिया था ध्यान से देखो एक बार कि सर आपने 1 को फिक्स कर दिया, सर जरूरी है कि मैं बी को ही मान लूं, मैं ए को भी तो मान सकता हूँ, दोनों मान सकते, दोनों केसेस में तुम करके देख लो, बात आंसर सेम ही आएगा। सर ए एक्स और 1 आपने जब किया तो देखो बी को मैंने 1 मान लिया, अब ए की वैल्यू अगर 0 थी तो मुझे 1 मिल रहा है, ए की वैल्यू 1 थी तो मुझे क्या मिला है, 0 मिला, तो ऑब्वियसली बात है कि ए एक्स और 1 करेंगे तो क्या वैल्यू मिल रही है, ए बार, ठीक है। अब ए बार ए एक्स और ए बार, तो ये कौन से केसेस हो सकते हैं, ये वाले दो केसेस हो सकते हैं 0 1 या 1 0, दोनों के लिए वैल्यू क्या मिल रही है, 1 1, तो मैं बोल सकता हूँ ए एक्स और ए बार क्या होगा, 1। ए एक्स और ए मतलब कि दोनों वैल्यू सेम, या तो फर्स्ट केस पॉसिबल है या फोर्थ केस पॉसिबल है, दोनों के लिए वैल्यू क्या मिल रही है, 0। ये बात सभी को समझ में आ गई, ए ए बार 1 0 बनेगा ट्रुथ टेबल से ही, और कोई तरीका नहीं है, ए ए बार 1 0। विकास समझ में आया कहाँ गलती कर रहे थे, सेकंड वाला ए बार, अनुपम छुट्टी नहीं समझ में आया बेटा, क्या समझ में नहीं आया बेटा, माइक ओपन करो बताओ मुझे, मैं फिर से समझाऊंगा, ओके छुट्टी बेटा कोई डाउट है तो माइक ओपन करो पूछो, प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन, ओके 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 ओके। देखो बेटा फिर से ध्यान से देखो कि ए एक्स और 0 है, तो अब एक वेरिएबल क्या है, एक है, तो कितने केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, या तो 0 XOR 0 या 0 XOR क्या, या सॉरी क्या कहते हैं, एक मिनट, या तो सर दो ही केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, या तो 0 XOR 0
या वन एक्स और जीरो। अब देखो जीरो एक्स और जीरो कर रहे हैं तो आंसर क्या मिल रहा है, जीरो। जीरो वन एक्स और जीरो कर रहे हैं तो आंसर क्या मिल रहा है, वन। तो देखो ये तो फिक्स है। अब ये वेरिएबल था, वेरिएबल की वैल्यू जब जीरो तो तुम्हें जीरो मिला, वेरिएबल की वैल्यू जब वन तो तुम्हें वन मिला। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए एक्स और जीरो इज ए, जो ए की वैल्यू है वही तो मुझे आंसर मिल रहा है। अगर यहाँ ए की वैल्यू जीरो है तो जीरो मिल रहा है, ए की वैल्यू वन है तो मुझे वन मिल रहा है। ठीक, देन अगेन सर ए एक्स और वन, ए एक्स और वन के लिए भी कितने केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, यहाँ देख रहा हूँ मैं ना, सेकंड केस यहाँ लिख दे रहा हूँ इसे क्लियर हो जाए। ए एक्स और वन, अब या तो सर दो ही कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं, या तो जीरो एक्स और वन हो जाए या वन एक्स और वन हो जाए। तो जीरो एक्स और वन के लिए क्या वैल्यू मिल रही है, वन। वन एक्स और वन के लिए वैल्यू क्या मिल रही है, जीरो। तो मतलब ये कि सर ए की वैल्यू जीरो थी तो वन मिल रहा है, ए की वैल्यू वन थी तो जीरो मिल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी आंसर मिलेगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है मुझे। दिस थिंग इज क्लियर बेटा और नॉट। थर्ड केस के लिए अब मुझे कमेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं तीनों एक केस और समझा दे रहा हूँ, फिर कमेंट देखता हूँ, फिर अपन देखेंगे। ए एक्स और ए एक्स और ए बार, अब अगर ए की वैल्यू जीरो है तो क्या केस बनेगा, जीरो एक्स और वन। ए की वैल्यू वन है तो क्या केस बनेगा, वन एक्स और जीरो। अब देखो जीरो एक्स और वन के लिए वन, वन एक्स और जीरो के लिए वन, दोनों केसेस के लिए वन वन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर आंसर ए की वैल्यू जब कुछ भी बनी रहा है आंसर में सब वन मिल रहा है, दैट्स व्हाई आई पुट इट एज वन। ठीक ठीक श्रुति, समझ में आ गया बेटा, ओके चलो बेटा ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से एक्सनोर का भी तुम बना सकते हो, होमवर्क है बेटा ये। एक्सनोर का बनाना, नैंड का बनाना, नोर का बनाना, तीन मैंने बना दिए, तीन तुम बना लेना। ठीक है सभी लोग बना लोगे, ओके बना लोगे, ओके 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 ठीक।